भगवान अपने समस्त अंशों के सहित श्री अवध में प्रकट भी हुए, जन्म भी लिया और अवतार भी लिया, तीनों ही कार्य एक साथ हो गए। जन्म की लीला और प्रकट की कृपा दोनों एक साथ हुई। बहुत लंबे समय से सारे नागरिक, माताएं बहने अयोध्या की व्रत कर रही थी, अनेक प्रकार के अनुष्ठान चल रहे थे, भारतवर्ष के ऋषि मुनि महात्मा सब अपने अपने स्थानों को छोड़कर श्री अवध में आकर जप कर रहे हैं, अनेक प्रकार की मंगल भावनाओं के साथ कामनाएं हो रही हैं, अनेक प्रकार के शुभ कार्य दान पुण्य। चूंकि प्रभु का आगमन हो रहा है तो प्रभु के आने से पहले जितने भी शुभ लक्षण हैं सृष्टि में सब प्रकट होने लगते हैं, सब आते हैं। और जैसे ही अवध के नागरिकों को ये समाचार मिलता है कि भगवान का प्राकट्य राजभवन में महाराज दशरथ को चार पुत्र आए हैं, चार पुत्रों ने जन्म लिया है, पूरी अयोध्या दौड़ी है और घर घर के अंदर मंगल उत्सव, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी। घर घर पटत बधायो अयो।
गोस्वामी जी लिखते हैं, ठीक 12 बजे का समय, घड़ी की सुई सीधी हुई, लोग प्रतीक्षा तो कर रहे थे, कितने ही महीनों से लोग सोए नहीं थे, क्योंकि वो जानते हैं जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हम सब मोह की दिशा में सो रहे हैं, इसलिए भगवान आकर लौट जाते, अनुभव नहीं कर पाते हम। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। तो प्रतीक्षा हो रही थी, समय चुक हो चुका था, संकेत आ चुके थे, वातावरण आनंदित हो रहा था। तो जैसे ही वाद्य यंत्र बजे, गोस्वामी जी लिखते ऐसी जबरदस्त राजभवन की ओर जनता की भगदड़ हुई कि जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, पाले मर्म गोस्वामी जी ने इसमें भर दिया एक चौपाई में। जो जैसे तैसे ही उठ धावा, जो जहां बैठा था, जैसे बैठा था, जिस आसन पर बैठा था, जिस स्थिति में बैठा था, जिस मनस्थिति में बैठा था, जिस परिस्थिति में बैठा था, जिस अवस्था में बैठा था, जिस व्यवस्था में बैठा था, वहीं से दौड़ पड़ा भगवान का दर्शन करने के लिए। और भगवान के दर्शन की आचार संहिता है, इसके लिए पूर्व की कोई तैयारी नहीं चाहिए। जब याद जगे, जब इच्छा जगे, वहीं से शुरू कर दो, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। जहां हो वहीं से आगे बढ़ जाए। संसार की यात्रा करनी होती है, कई महीने पहले तैयारी करनी पड़ती है। हल्दीराम के पैकेट रखने पड़ते हैं, नमकीन भुजिया के, मठरी लड्डू, ये वो अटरम सटरम सब करना पड़ता है। भगवत मिलन की यात्रा में कुछ नहीं, जैसे हैं आप, जहाँ हैं आप, जिस आसन पर हैं, बालक हैं, विद्यार्थी हैं, गृहस्थ हैं, विरक्त हैं, जैसे भी हैं, जो स्थिति है, शुभ हैं अशुभ हैं, पापी हैं पुण्यात्मा हैं, मेले हैं कुचेले हैं अपराधी, कैसे भी हैं आप, वहीं से यात्रा शुरू करो। कई लोगों ने डरा दिया भगवान के मिलन में, अच्छा भगवान मिलेंगे तुझे, पहले पाप छोड़, लोभ छोड़, मोह छोड़, झूठ छोड़, नंबर दो छोड़, तब न मिलेंगे भगवान। अब ये तो छूटने वाले नहीं है, 10 रुपए का गुटका तो छूट नहीं पा रहा है, लोभ छोड़ देगा, पाप छोड़ देगा। भगवान बालक अगर ये तय करे कि जब मैं नहा धो लूंगा, साफ सुथरा हो जाऊंगा, तब माँ की गोद में जाऊंगा, कभी नहीं जा पाएगा। बालक क्या करता है, जहां है वहीं से रोना शुरू कर देता है, माँ को दौड़कर आकर गोद में उठाना पड़ता है, फिर नहलाना धुलाना कपड़े बदलना, ये जिम्मेदारी माँ की होती है, बच्चे की नहीं होती। बच्चा एक ही काम करता है कि बच्चा जहां है वहीं से पुकारता है, रोना शुरू कर देता है। तो भगवान मैंने एक दिन बोला था, खोजे नहीं जाते, आप जहां हैं वहां से ही पुकारिए। हजार काम छोड़कर भगवान नंगे पैर आते, गजने पुकारो मैंने करुण बिसारो और ग्राह
खोजता नहीं है, क्या ठौर ठिकाना क्या है, कहां खोजे भगवान को? तीर्थ में भगवान नहीं है, तीर्थ में भगवान को बताने वाले रास्ते के जानकार हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, साधक हैं, वो भगवान से मिलन का रास्ता बताते हैं। वहां भगवान नहीं है, भगवान होते तो जो वहां बैठे हैं उनको मिल गए क्या? उनको पूछिए। तो ये निकाल दीजिए कि हम कैसे हैं, हम कैसे हैं? किसी रिश्तेदार के पास जाना हो तो कपड़े बदलो, बाल काढ़ो, हाथ पैर धोओ, छुर छुर बगल में दो बार करो और फिर उसके पास जाएंगे। और अपनी माँ के पास बैठना हो तो, पिताजी के पास बैठना हो तो चाहे जैसे बैठ जाए, बाथरूम से आए अंडरवियर बनियान में भी आप माँ के पास बैठ सकते, बाबूजी के पास बैठ सकते, पसीने से लथपथ हैं तो भी माँ के बगल में आप जाकर बैठ सकते। अरे पसीने से लथपथ हो गए, धूल धूसर हो गए, माँ चिल्लाएगी, अरे बहू अरे आ जरा ठंडा सा बढ़िया जल्ला चाय लेके आ, कुछ खाने को ला, देख 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 कैसा थका हुआ दिखाई दे रहा। तो कोई तैयारी नहीं चाहिए, वो तो हमारा माँ बाप है सबका, माँ तो पिता तुम मेरे शरण गहो किसी। ये अगर मन में आ गया कि हम पाप छोड़ के ही भगवान की ओर जा सकते, जिसने भी एक कहा है कि पहले पाप छोड़ो तब भगवान की ओर जाओ, उसने भगवान की कृपा का अपमान किया है, उसको भगवान के स्वभाव का मालूम ही नहीं। अस स्वभाव कहूं सुनो न देखो, ऐसा सरल स्वभाव। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोशिश करोगे एक भी आदत छूटेगी नहीं। मैंने बोला है कि गुटखा खाने की आदत छूट ही नहीं पाएगी, कितनी बार कसमें खाता है, गंगा जी में पाउच फेंक कर आता है, मंदिर में नाक रगड़ता है, कान पकड़ता है, कसमें खाता है, चार दिनों के आठ दिनों के बाद वही आओ 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 करने लगता है, वही गोबर फिर मुंह में भर लेता है। तो इसलिए ये जिसने कहा है कि पहले पाप छोड़ो तब भगवान मिलेंगे, उन्होंने भगवान के स्वभाव का अपमान किया है। जीवन में मरते दम तक चिता तक जाने तक मनुष्य पाप नहीं छोड़ सकता है, चाबी भी मरने के बाद बच्चे ढूंढते हैं तब मिलती है, वो उसे भी नहीं देने को तैयार है, पाप छोड़ देगा। इसलिए पाप छोड़ने की कोशिश मत करो, परमात्मा का स्मरण करना शुरू कर दो, उसकी ओर चलना शुरू कर दो। उसकी ओर चलने का अर्थ ही है कि आप भगवान का नाम ले रहे हैं। और बंधुओं, सूर्य की ओर मुख करके चलोगे तो छाया अपने आप पीछे छूट जाएगी, सूर्य की ओर पीठ करके चलोगे छाया आपके आगे आगे चलेगी। पाप मत छोड़ो,
भगवान का स्मरण करना शुरू कर दो, कुछ मत छोड़ो। 100 काम करते हो, मैं कभी नहीं कहता हूं कि झूठ छोड़ दो, कि चतुराई छोड़ दो, कि रिश्वत छोड़ दो, कि नंबर 2 छोड़ दो। नंबर 2 छूट गया तो हमारी कथाएं कैसे होंगी? हम तो चाहते हैं नंबर 4 करो, कथाएं कराओ, अच्छी बड़ी दक्षिणा दो। ये तो नहीं हो सकता। छोड़ो मत, जोड़ो। जब हम सब चीजें जोड़ रहे हैं, भगवान का नाम जोड़ लो, उसका स्मरण जोड़ लो, बात खत्म हो गई। अयोध्या के नागरिकों ने सीख दे, जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कहूं संग ला। आजी जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कहूं संग लावा, बाल वृद्ध कहूं संग ला। आजी बाल वृद्ध कहूं संग ला। जब याद आ जाए पुकारना शुरू कर दो, जब याद आ जाए भगवान की ओर चलना शुरू कर दो। भगवान की ओर चलना माने सत्संग की ओर चलना शुरू कर दो, मंदिरों की ओर चलना शुरू कर दो, गुरुजनों की ओर चलना शुरू कर दो, संतों की ओर चलना शुरू कर दो, दान पुण्य की ओर चलना शुरू कर दो, तीर्थों की ओर चलना शुरू कर दो। शुरुआत करिए माता पिता के चरणों से, सेवा से। माता पिता के पास बैठना शुरू करिए। माता पिता तरसते हैं, दुनिया के पास घंटों गप्पे मारोगे, बूढ़ी माँ बेचारी प्रतीक्षा करती है, पिता प्रतीक्षा करता है, बैठने का समय नहीं। यहां से जो सबसे बड़ा मंदिर तो हमारे माता पिता का है। जिन माता पिता की सेवा की, तेरे तीर्थ धाम कियो न कियो, यहां से शुरू करो। कोई ना कोई एक समय 5 मिनट सवेरे की चाय अम्मा के पास बैठकर पिएगी, सायंकाल का भोजन पिताजी के साथ बैठकर करेगी, कुछ न कुछ यहां से शुरुआत करिए। तब तो वो निराकार है, वो तो बड़ी मुश्किल। जब साकार में नहीं देख पा रहे हो तो निराकार में देख लोगे क्या? जब जीवित में तुम भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हो तो पत्थर की मूर्ति में भगवान दिखाई दे जाएगा? सिर मार मार के फोड़ लीजिए, नहीं दिखाई दे। यहां से शुरू करो, घर से शुरू करो, माँ से शुरू करो, पिता से शुरू करो, इनके पास बैठना शुरू करो, फिर सज्जनों के पास बैठो, जहां मन पवित्र होता हो, जहां दुर्गुण छूटते हो, जहां हम कुछ अच्छी बातें सुनते हो। मंदिरों से शुरू करो, तीर्थों से शुरू करो, दान पुण्य से शुरू करो, शुभ काम से शुरू करो। ये सब भगवान के प्राप्ति के साधन है। समाधि और ये तो अंत की बात है, समाधि लगानी नहीं पड़ती, फिर समाधि लग जाती है। सब देखिए, हम समाधि में रहते हैं, हम संसार के कारोबार में ऐसे बैठे रहे, डूबे रहते, कहां कहां तक की कल्पनाएं चलती रहती है। समाधि का सबको अभ्यास है, बस अंतर इतना है कि वो चेंज कर रहा है, चैनल चेंज कर रहा है, बस और कुछ नहीं करता। तो जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में जब याद आ जाए, भाई सुन, कभी अपने दुर्गुण मत देखिए। ग्लानि में गल जाओगे, हीन भाव आ जाएगा। अपने दुर्गुणों को याद मत करिए, भगवान के सद्गुणों को याद करिए, उनके गुणों की चर्चा करिए, उनके गुणों का स्मरण करिए, उनके गुणों को गाइए, तो हमारे दुर्गुण अपने आप छोड़कर चले जाए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की। कई लोग आपने देखे हैं, जहां अच्छी चर्चा होती है वहां से बुरा आदमी अपने आप उठकर चला जाता है, यार यहाँ मजा नहीं आ रहा है, अपने मतलब की बात नहीं हो रही। तो दूसरे इस चौपाई ने संकेत दिया है, धावा। सब दौड़कर गए, बूढ़े जवान जिसमें जो क्षमता थी शक्ति थी सब दौड़े, जो जैसे तैसे ही उठे धावा, लदर पदर लदर पर। जैसे आपने देखा होगा कि ये पता लग जाए भिखारियों को कि उस चौराहे पर कुछ माल बांटा जा रहा है, तो कैसे लदर पदर भागते जाते, कोई किसी की ओर देखता नहीं, कोई किसी को पुकारता नहीं, मैं न रह जाऊं, मैं न रह जाऊं, मैं न रह जाऊं। और ये व्याकुलता चाहिए भगवत दर्शन की, मैं न रह जाऊं, मैं न रह जाऊं। धाना पड़ता है, हम संसार के लिए, धन कमाने के लिए, पद पाने के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं। 2-2 कौड़ी के लोगों के बंगलों के बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं, मिलने को कोई तैयार नहीं है, सुबह ही पहुंच जाते हैं, घंटों बैठते हैं, दुनिया में ये मिल जाए इसके लिए यहां से वहां दौड़ेंगे, वहां दौड़ेंगे, वहां दौड़ेंगे।
और भगवान के लिए खड़े होने को भी तैयार नहीं, चलना तो बहुत ही बड़ी, अभी टाइम नहीं है, अभी उम्र पड़ी है, अरे बस आगे बुढ़ापे में यही तो करना है, जरा ये काम और कर लेते हैं, इतना इतना ये और इच्छाएं पूरी हो जाए। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, हर मनुष्य अधूरी इच्छा के साथ दुनिया से विदा होता है, उसकी कोई सब इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुआ करती, इसलिए सारी इच्छाएं आप उसमें एक ये भी जोड़ लो कि इस बीच भगवान मिल जाए तो आनंद ही आ जाए, न मिले कम से कम उसके मार्ग पर दो चार कदम आगे बढ़ जाए। तो धाना पड़ता है, धाना यानी मैं न रह जाऊं, मैं न रह जाऊं, मैं न रह जाऊं, मैं सबसे आगे। और तीसरा स्वामी जी ने लिखा है, जो जैसे तैसे उठ धावा, बाल वृद्ध कहूं संगन ला। किसी ने बालक नहीं लिया गोद में, किसी ने बूढ़े का हाथ नहीं पकड़ा, दादाजी चलो भगवान प्रकट हो गए, कोई किसी ने कहा कि ये तो अयोध्या के नागरिक बड़े स्वार्थी हैं, तो किसी महापुरुष ने कहा कि संसार के व्यवहार में स्वार्थ चाहिए, निस्वार्थ चाहिए, और भगवान के भजन में स्वार्थ चाहिए। संसार के व्यवहार में निस्वार्थता चाहिए और भगवान के भजन में पूर्ण स्वार्थ चाहिए, पूर्ण स्वार्थ। घर में कोई खाने पीने की चीज है, अकेले चुरा कर खाओगे, छुपा कर खाओगे, तो हम लोग जेल में थे, जेल में सन 75 के इमरजेंसी में जेल में थे, तो बैरिक थी, बाद में तो बड़ी जेल में गए तो वहाँ अलग अलग सेल थे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो सब बढ़िया बढ़िया कमरे थे सबको, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जेल होती है उसमें बैरिक्स होती हैं, सब उसी में रहते थे, तो जो मिलाई होती है तो घर में तो भले ही उनको कभी बेचारों को मूंगफली भी न दी होगी, लेकिन मिलाई करने जाते घर के लोग तो लड्डू मठरी काजू किशमिश ये वो सब इतना माल चढ़ता है, अब खाएं कैसे, पूरी बैरिक है, और बांटें कैसे, इतने लोग हैं और बांटने की आदत तो होती नहीं है ज़्यादातर, तो कैसे करें, खाएं कैसे। तो जब रात को सोते थे ना तो कंबल में मुंह ढक के फिर कुड़ुर 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 चला बता थे ऐसे ऐसे, तो वो उनके साथ बड़ी मजाक होती थी आगे की चर्चा हम नहीं करेंगे। तो घर परिवार के काम में ये कह सकते हैं आप कि भैया तो करता नहीं है, पिताजी तो भजन करते नहीं है, मैया तो करते, मैं ही क्यों अकेला करूं, वहां कोई साथ नहीं जाता है, न भैया जाए न मैया जाए न दैया जाए न गैया जाए न रुपैया जाए, हंस को अकेले ही जाना पड़ता है। इसमें पूर्ण स्वार्थ चाहिए, घर की खाने पीने की चीज सबको बांट कर खाइए, दिखा कर खाइए कि लो सबको बांटो, बच्चे तो स्वयं लीजिए, प्रशंसा होगी, लेकिन भजन को चोरी से करिए, छुपा कर करिए, किसी को पता न लग जाए, लोग सोते रह जाए घर के, कब भजन कर लिया किसी को अंदाज ही ना आए, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा नजर लगती है तो भजन को लगती है, सबसे ज्यादा अगर नजर लगती है, आपने जिस दिन ये बोल दिया मैं तो पहले अपना पूजा पाठ करके तब चाय पीता हूं, उसके पहले कुछ नहीं, अगले ही दिन बुखार आ जाएगा, अगले ही दिन हड्डी टूट जाएगी बाथरूम में, अगले ही दिन स्लिप हो जाओ, इसलिए बहुत छुपा कर। आपने देखा है महात्माओं को कि जो माला जपते हैं उसे झोली में छुपा के रखते हैं और झोली को भी दुपट्टे में छुपा के रखते हैं, नजर लगती है, सबसे ज्यादा अगर नजर लगती है तो भगवान के भजन को नजर लगती है, इसलिए बिल्कुल चोरी से जिसमें पूर्ण स्वार्थ चाहिए। संसार के व्यवहार में परमार्थी बनो और भगवान के भजन में पूर्ण स्वार्थी बनो, चोर बनो, किसी को पता ही न लग जाए, कोई देख न ले, अंदाज भी किसी को ना जाए कब भजन करता है, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। बाल वृद्ध किसी ने किसी को साथ नहीं लिया, तो भगवान के भजन में स्वार्थ चाहिए, संसार के व्यवहार में परमार्थ चाहिए, किसी ने बच्चे को बड़े को बूढ़े को किसी को साथ ही नहीं लिया, अकेले ही यात्रा करनी होती है। यहां संसार के घर परिवार के काम में तो ये कह सकते हो
कि ये भैया तो कुछ करता नहीं है, मैं ही काहे को करूं, मैं ही अकेला खाता हूं क्या, बाकी सब मटरगस्ती करते हैं, बाकी सब मोबाइल देखते रहते हैं और मैं ही पैदा रहता हूं। आप घर परिवार के काम में कह सकते हैं, लेकिन आप भगवान के भजन में नहीं कह सकते। पिताजी तो भजन करते नहीं, मैं क्यों करूं, बड़े भैया तो भजन करते नहीं है, मैं क्यों करूं। भजन नितांत एकांत का, अकेले का है। भजन में कभी सामूहिक भजन नहीं होता, सामूहिक भजन गाए जाते हैं। जो भजन किया जाता है वो एकांत में किया जाता है, किसी को पता ही न चले। भक्ति करिए, भगत जी मत बनिए। भगत जी उपहास है, जो ऊपर का ढोंग ढपाड़ करता है उसे लोग भगत जी कहते हैं। आओ भगत जी, माने पूरा चंदन पोता हुआ है और बड़ी जोर जोर से माला बाहर ऐसे खड़खड़ाता है, ऐसे ऐसे चलाता है ऐसे, वो भगत जी मत बनिए, भक्त बनिए। और भक्त भी बिल्कुल किसी को अंदाज ही आए, पता ही न लगे। बहुत अयोध्या के नागरिक दौड़ कर गए हैं, बाल वृद्ध कहु संग, जो जैसे तैसे ही उठ धावा बेचे। धावा माने पैरों से मत दौड़िए। कई बूढ़ी माताएं कह देगी हमसे तो बाथरूम तक भी बिना लाठी के नहीं जाया जाता, और आप कह रहे हैं कि भगवान के उसमें दौड़े। धावा माने शारीरिक नहीं है, धावा माने मानसिक है, व्याकुलता, बेचैनी, कसक, टीस, दर्द, आकुलता, एक प्रकार की घबराहट, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे भगवान की ओर जाऊं। बिस्तर पर बैठकर संसार की यात्रा करनी होती है, पैसा कमाना है, पद कमाना है, पैरों से दौड़ना पड़ता है, शरीर से दौड़ना पड़ता है, और भगवान को प्राप्त करना होता है तो पैरों को बंद करके आसन पर बैठाना पड़ता है। आसन हम सब जगह बैठ सकते हैं, लेकिन पूजा के आसन पर बैठा नहीं जाता हमसे दो मिनट भी। घबराहट होने लगती है, अकुलाहट होने लगती है, नींद आने लगती है, ऊब आने लगती है। तो यहां से शुरू करिए, कोई माला मंत्र मत जपिए, केवल बैठना शुरू करिए। पहले भगवान का जहां घर में, सबके घर में पूजा घर है, छोटा बड़ा जैसा भी है, वहां केवल बैठिए। इतना ही कह दीजिए, प्रभु पाठ पूजा करने का बड़ा मन करता है लेकिन मेरा मन नहीं लगता, मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता बताओ, केवल इतना बोलकर उठ जाइए। लेकिन ये क्रिया रोज करिए, ये क्रिया रोज करिए, तो आगे की चीजें भी होने लग जाएगी। अयोध्या के नाग, ये जो मानस है ये हमारे मन को परिवर्तित करने वाला ग्रंथ है। और पूरी अयोध्या इतने ऐसी अवधपुरी सोहै ऐ भांति, प्रभुई मिलन आई जन राती। ऐसा और क्या दान कर रहे हैं, न्योछावर हो रही है, क्या दान कर रहे हैं, सर्वस दान दीन सब का, सर्वस दान दीन सब का, जे ही पावा जो था वही सर्वस्व लुटा दिया। सर्वस्व दान दीन सब का, कोई टूटे पैसे नहीं मांग रहा था, टूटे नोट नहीं मांग, जो जिसके पास था, तेरा तुझको अर्पित अब क्या लागे मेरा, तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। हम तो आरती में जरा आंखें बंद ही रखते, देखते नहीं, लेकिन हमने कई अच्छे बुद्धिमान लोग देखे, चालाक तो मैं नहीं कहूंगा, बड़े समझदार, कि छोटा नोट चढ़ाएंगे टूटे के नाम पर बड़ा उठा लेते हैं। अब यहां से व्यासपीठ से बोल भी नहीं सकते, पहले हम बहुत देखा करते थे, कई बार आरती के पैसे हम लोगों को दे दिया करते थे लोग, तो बाद में जाके गिनते थे, देखे जो कटे हुए बच्चे ने फाड़ दिया, दीपक पर जल गया, कहीं नहीं चला, वो आरती में चल जाता था।
अब उन्हीं को इकट्ठा करते करते नानी याद आ जाते। फिर हम देखते थे चूंकि वो थालियां हमको मालूम था कि हमको देंगे, तो हम देखा करते थे कि उनको कैसे डांटे, छोटा नोट छट दिया और बड़ा निकाल लिया इसमें से। तो वहां ये नहीं कर रहे थे, देहरादून के तो बड़े देव भूमि के लोग है ना, तो देवता है, तो मैं ऐसा नहीं, दिल्ली वालों की बात बता रहा हूं। अब जब दिल्ली में जाएंगे तो कहेंगे देहरादून की बात बता रहा हूं मैं, अलग-अलग सबको बहकाना पड़ता है। सबने सर्वस्व अब किसके लिए रखे, जगत का बाप मिल गया अब किसके लिए बचाए, सर्वस्व दान दीन सब काहू। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि तो जो दान ले रहे थे वो तो मालामाल हो गए होंगे, बोले नहीं एक आश्चर्य और था। बोले क्या था, बोले दान लुटाने वाले तो दिखाई दे रहे थे, दान उठाने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा। सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताऊ। आप और किसी को दे दीजिए, नहीं 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 लीजिए, वो दूसरे को, दूसरा तीसरे को चौथा। जब साक्षात परमात्मा मिला है तो इस भौतिक संपत्ति को कौन बचा के रखेगा, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। और उत्सव की धूम ऐसी मची, ऐसी मची, गोस्वामी जी लिखा है कि अवधपुरी सो हरी प्रकट हुए। ठीक 12 बजे का समय, सूर्य नारायण अयोध्या के ठीक ऊपर, सिर के ऊपर रहता है सूरज 12 बजे के करीब। ऐसी उत्सव की धूम मची, ऐसी उत्सव की धूम मची कि सूर्य नारायण अपने रथ को हांकना ही भूल गए, सृष्टि का नियम बदल गया। क्योंकि सृष्टा ही जब बाप जगत का बेटा बनकर आ रहा है, बालक बनकर गोद में आ रहा है, तो सृष्टि के नियम कौन पालन कराएगा। जो नियम पालन कराने वाला था वो तो खुद नियम तोड़कर आ गया, बाप बेटा बन गया। कभी सूर्य का रथ रुकता नहीं है, लेकिन सूर्य नारायण रुक गए। हुआ ये था, ठीक 12 बजे का समय और भगवान तो गर्व स्तुति होने लगी, देवता गर्व स्तुति करने लगे भगवान के प्राकट्य के पहले की जो स्तुति होती है। तो सूर्य नारायण ने पूछा देवताओं से, भाई ये गर्व स्तुति क्यों कर रहे हो। अरे बोले आपको मालूम नहीं, भगवान ब्रह्म का अवतार श्री अवध में और आपके कुल में सूर्य वंश में होने जा रहा है। तो सूर्य नारायण को जरा सा लोभ हुआ कि जरा अवतार की एक झलक मैं भी देख लूं। तो एक क्षण के लिए उन्होंने अपने रथ के घोड़े रोके, एक क्षण के लिए, कभी सूर्य का रथ रुकता नहीं, एक क्षण को। और जब भगवान प्रकट हुए और धूम मची, नाचने की, गायन की और दान लुटाने की, जो उत्सव की महाधूम मची, तो सूर्य नारायण उस उत्सव में इतने डूब गए कि रथ भी हाँक कर ले जाना है, उन्हें होश ही नहीं रहा। और कब तक खड़े रहे, मास दिवस कर दिवस भार, एक मास का एक दिन हो गया, मास दिवस कर दिवस भा,
और मर मन जानही को, रथ समेत रवि था के तो निशा कवन बीधे हो। एक मास का एक दिन, कई पढ़े लिखे लोगों को चक्कर आ जाता है ये सुनकर, ऐसा हो सकता है क्या एक महीने का एक दिन? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है। आप अपने जीवन के अनुभव से जरा देखिए, घर में रात्रि को 10-11 बजे किसी की तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर की सुविधा नहीं है तो सवेरे दिन निकलना मुश्किल हो जाता है, सुबह पकड़ना मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है आज घड़ी चल ही नहीं रही है। चूंकि मरीज है, घबराहट हो रही है, भय हो रहा है, क्या होगा क्या होगा, अभी दिन नहीं निकला, अभी दिन नहीं निकला, अभी दिन नहीं निकला। और घर में जब आनंद का, शादी का समय हो, ढोलक बज रही है, नाच गाने हो रहे हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं, कढ़ियाँ चल रही हैं, तो जब महोत्सव मनता है शादी विवाह का, तो कब दिन निकला कब रात हुई होश नहीं रहता, पूरी पूरी रात जागते गीत गाते रहते। जब बारात विदा हो जाती है तब थकान का पता लगता है कि शरीर में थकान हो रही है, उस समय तो किसी को पता ही नहीं लगता है। चूंकि आनंद में, उत्साह में शरीर में ऊर्जा बढ़ जाया करती है और शोक में शरीर की ऊर्जा फ्यूज हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इतना इतना महोत्सव, इतना महोत्सव, इतना महोत्सव। और आपने देखा होगा दुख का समय बड़ी मुश्किल से कटता है, तनख्वाह कम हो, खर्चा ज्यादा हो, तो 30 तारीख पकड़ना बहुत मुश्किल पड़ता है कि कब 30 तारीख आए और कब हमको तनख्वाह मिले। लेकिन दुख से सुख का समय जल्दी बीत जाता है, घर में अमन है, चैन है, सुख है, पैसा है, रुपया है, खान पीन की सब साधन है, गाड़ी घोड़ा सब है, तो समय जल्दी बीत जाता है। सुख से भी आनंद का समय जल्दी बीता करता है, शादी विवाह का समय तो फटाफट फटाफट कब 3-4-5 दिन निकल गए पता ही नहीं लगता। और अयोध्या में तो परमानंद पूरी मन वर्षा हो रही, बाजे ही बाजे बज रहे, दिन और रात नाच और गाना ही हो रहा है, किसको पता लगे। मास दिवस कर दिवस भा मरुमन जाने को, पूरी सृष्टि आनंद में झूम रही थी। हमने संतों के मुख से सुना है एक प्राणी सृष्टि का बहुत जोर जोर से रो रहा था भगवान के प्राकट्य पर, वो था चंद्रमा। चंद्रमा बड़ी जोर जोर से रो रहा था तो देवताओं ने पूछा, मेरे यार हम सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, तू भले आदमी रो रहा है, उत्सव नहीं मना रहा। बोले आपको भगवान का दर्शन हो रहा है तो आप नाच गा रहे हो, मुझे तो दर्शन हो नहीं रहा है तो मैं रो न तो और क्या करूं। तो देवताओं ने पूछा वहां कोई रोक टोक है? आज तो फाटक खुले हुए हैं, सब दौड़ पड़े, जो जैसे तैसे ही उठ धावा, तो तुझे किसी ने रोका है क्या? बोले मैं तो जा ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले सूर्य नारायण तो टले पहले, जब तक सूर्य का रथ आगे नहीं जाएगा, सूर्य अस्त नहीं होगे, तब तक मेरा प्राकट्य कैसे होगा? तो बोले भाई तू ये हम तो नहीं कर सकते, भगवान से तू प्रार्थना कर। तो भगवान से चंद्रमा ने रो रो कर प्रार्थना की, बहुत रोया चंद्रमा। भगवान ने कहा भाई क्या बात है, दुनिया नाच रही है गा रही है, तू भले आदमी रो रहा है, क्या बात है, तू क्या कष्ट है? बोले महाराज दुनिया आपका दर्शन कर रही है तो नाच रही है, मुझे तो दर्शन हो नहीं रहा है। भगवान ने कहा तो तू भी आ जा, कोई रोक रहा है तुझे? बोले सूर्य नारायण तो अड़े अड़े हैं, वहां खड़े हैं,
वो तो टरे पहले वहां से। आप सूर्य नारायण को कहिए कि वो रथ आगे यहाँ कर ले जाए, उन्होंने दर्शन किया ताकि मैं आऊं, रात हो और मैं प्रकट होकर दर्शन करूं। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता। क्यों? बोली कि मैं इस समय बाल लीला में हूं, माँ की गोद में अबोध बालक के रूप में हूं, और अगर मैं यहां से चंद्र सूर्य नारायण को कहूंगा कि तुम जाओ तो मैया मुझे फेंक देगी, कहेगी बालक है कि भूत है, बालक तो कभी बोलता नहीं है। और दूसरे सूर्य नारायण अकड़ दिखा सकते, मैं अगर उनको कहूंगा भी तो अकड़ सकते, मैं तो नहीं जाता, मेरे ही वंश में आए और मुझे ही मना करे और नहीं जाता, कर लो क्या करोगे। भगवान ने कहा भाई ये मैं नहीं कर सकता। तो चंद्रमा ने कहा ठीक है महाराज, जब आप नहीं कुछ कर सकते तो मैं जाकर आत्महत्या करता हूँ, चूंकि अंतिम कोर्ट तो भगवान की है और वहां भी डिसमिस कर दिया मेरा केस, तो मैं तो प्राणांत करता हूँ, आत्महत्या करता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, मरने की धमकी मत दे। बोले तो दर्शन कराएंगे। भगवान ने कहा भाई इतनी जिद मत कर, इस बार दर्शन नहीं हो सकता तुझे मेरा। बोले क्यों? इस बार मैं दिन के 12 बजे आया हूं और सूरज के वंश में, सूर्य वंश में आया हूं, तो चूंकि दिन का 12 बजे और सूर्य वंश उन्हीं का वंश है और उन्हीं का ये समय है, तो उनका तो नैतिक अधिकार है कि वो दर्शन करें, लेकिन तू कुछ दिन प्रतीक्षा कर सकता है क्या? चंद्रमा ने कहा कब तक करूं? बोले द्वापर तक, द्वापर तक प्रतीक्षा कर ले। आज मैं तुझसे वायदा कर रहा हूं कि इस बार तो दिन के 12 बजे आया, सूर्य नारायण का अधिकार है दर्शन करने का, जब द्वापर में आऊंगा तो तेरे चंद्र वंश में आऊंगा और रात के 12 बजे आऊंगा, जितना चाहे उतना दर्शन कर लेना, तेरे अलावा कोई होगा। चंद्रमा ने कहा महाराज अभी तो द्वापर कहां, अभी तो त्रेता चल रहा है, जन कब तक त्रेता चलेगा, फिर वो द्वापर आएगा और द्वापर में पता नहीं कब आपका प्राकट होगा, तब तक तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकता, मुझे कोई जीवित रहने का कोई आधार, कोई सहारा तो दीजिए आप। भगवान ने कहा अगर जीवित रहने का आधार सहारा तो ले, मैं अपने नाम का सहारा तुझे दिए देता हूं। और क्या मतलब? बोले भले ही मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया है, लेकिन कल से मुझे कोई भी राम सिंह कहकर नहीं पुकारेगा, कल से सारी दुनिया मुझे रामचंद्र कहकर पुकारेगी, तेरा नाम मेरे साथ जुड़ जाएगा। और जिसका भगवान का नाम जिसके जीवन से जुड़ गया वो तो फिर आनंद ही आनंद रहता है। और कलयुग में तो कलयुग केवल नाम में केवल एक ही भजन है भगवान के नाम को, इसको गाओ बजाओ नाचो जो कुछ कर सकते हो। मीरा जी इसी नाम के सहारे से, मीरा जी को कितना त्रास दिया घर वालों ने, कितने कितने झंझट उनके साथ लगाए, उन्होंने कहा सब कुछ कर लो, जहर पिला लो, नाक से डसवा लो, पहाड़ से कुदवा दो, अग्नि में मुझे जला दो, लेकिन मैं तो राम नाम मस्तानी में तो नाचूंगी, मैं हूँ प्रेम दीवानी में तो नाचूंगी, अरे राम नाम मस्तानी में तो नाचूंगी, मैं हूँ प्रेम दीवानी में तो नाचूंगी, अनहद बाजे सुरता नचती है, हाँ अनहद बाजे ढोल तो सुरता नचती है, मेरे मन में उठे ही लो तो पायल बजती है, मेरे मन में उठे ही लो तो पायल बजती है।
चल है। हाँ उजली मेरी चूनर और उजला आंचल है। दुनिया पागल कहती पर दुनिया पागल है। सब मुझको पागल कहते ये दुनिया पागल है। जय जय श्री राधे।